दी। पलंग पर चढ़ गई है वो। नहीं उतर रही है ना। हट, ये बैठ गई। नया सूट उठ सा मारा रखा था, आंसू पर मार रही है बहुत तेज, वो गुस्सा आ गई है जैसे। वो गिरेगी बहुत तेज, तुम बचे रहना। मैं तो डर लग रहा, सही में लग रहा है मेरे पर न गिर जाए। हाँ बहुत तेज गिरेगी, कहीं ऊपर ना गिर जाए फिर। हाँ नीचे ऐसे नीचे खींचते रहना नीचे। हाँ 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 नीचे 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 खींचो नीचे नीचे नीचे। दिखाइए इसको केला, दिखाइए दिखाइए केला उसको। अभी लगा थे अगर ढोंसा जाएगी तो सीढ़ी से गिरी तो हम टूट टाट ना जाए। हमें भी यही डर लग रहा है, अपने से डर रही है। वही तो हटी हटी थोड़ा ये बोल रहे हैं दिखाओ। आ जा ऊपर हो तो कोई ऊपर से उतरे, नीचे उतरने में ऊपर ही ऊपर के बड़ा पंद्रह ना चढ़ जा रही है, उतरने में डर रही है। रचना खंड, मेरा नाम रचना खंडेलवाल है। कल बैल घुस गया घर में, नीचे के रास्ते सीढ़ी के रास्ते से ऊपर आ गया था, और जब भगाए तो यहाँ छत पे खुला पाया तो ये अंदर आ गया। पूरे छत पे कम से कम पापा जी को 10 राउंड लगवाए वो, लेकिन वो निकल नहीं रहा, रास्ता नहीं पाया था निकलने के लिए, और पापा जी एकदम थक गए थे उसको भगा के, बहुत परेशान हो गए थे। फिर वो सीधे कितनी मंजिल ऊपर चढ़ा, और 3 मंजिल फिर जब उसको भगाए तो वो सीढ़ी से नीचे ना जाके ऊपर की सीढ़ी पे चढ़ गई, और वो सीधे मेरे बेडरूम में चली गई। वो गेट खुला था और चली गई अंदर, वो और बैठ गई बेड के ऊपर जाके बैठ गई, और गोबर उबर सब कुछ गंदा कर दिया, घंटों परेशान कर दिए वो। कैसे चढ़ के आया सीढ़ी से? पूरा गंदा कर दिया, पूरा गोबर बेड पे गंदगी कर दिया, और सब कपड़े उपड़े रखे थे सब रौन दिए और ख़राब कर दिए। कैसे हटाया गया? फिर कुछ लोगों को पापा जी बुलवाए, फिर उसको बांध के दुकान से फिर उनको बुलवाए ये आए, फिर रस्सी उस्सी उसके गले में बांध के जैसे तैसे उसको फिर नीचे खींचा गया। वो मार रही थी बहुत ज़्यादा, वो अंदर कमरे में पैक हो गई थी तो भी घबरा गई थी। तो काफ़ी सक्रिय है। हाँ पर उसको कहीं रास्ता नहीं समझ में आया ना किधर जाना है, तो वो सीधे सीढ़ी पाई खुली और ऊपर चढ़ गई। कोशिश की उसको पकड़ने की, इतनी बड़ी और हैवी थी वो, हम लोग के बस में नहीं आ रही थी।